हे माइंडफुल पीपल, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे ऑप्टिकल फाइबर ने पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ लाइट के बारे में। और जब भी हम लाइट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला टर्म आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में देखो क्या होता है, लाइट किसी एक चीज पर पड़ी और उस पर पड़ने के बाद वो दोबारा उस चीज के अंदर न जाकर बल्कि वहीं से वापस आ गई, बाउंस बैक हो गई। तो इस बाउंस बैक को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आप बोलोगे रिफ्लेक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, तो आप जो शीशा देखते हो वो है रिफ्लेक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, लेकिन इसी के साथ एक और टर्म निकल कर आती है रिफ्रैक्शन। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, लाइट जो है ना हमारी, वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और इसी स्पीड ऑफ चेंज की वजह से उस लाइट की डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, लाइट इस ग्लास के स्लैब पर पड़ी, जैसे ही वो यहाँ पर पड़ी तो इसका एंगल आने का ये था, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर जाने पर इसकी स्पीड चेंज हो गई तो इसका एंगल भी चेंज हो गया, और जब ये यहाँ से बाहर निकली तो दोबारा इसका एंगल चेंज हो गया क्योंकि इसकी स्पीड फिर से चेंज हो गई। तो इस चीज को, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे भाई रिफ्रैक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल हमें दिखा, रिफ्रैक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो, उसके लिए आपको चाहिए एक ग्लास और एक पेंसिल या कोई भी सीधी चीज, ठीक है, पतली, जितनी पतली हो उतना अच्छा है। अब देखो आपको करना क्या है, इस पेंसिल को इस पानी के अंदर डाल दो, तो सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा वो देखने को मिल रहा होगा इसकी साइज का। तो ये जो साइज में चेंज आ रहा है ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही आ रहा है। और दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा इसके एंगल का। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो ये जो एंगल है, आप देखो ये किस एंगल पर आ रहा है और इसके अंदर हमें ये किस एक्सिस पर दिख रहा है। मतलब आप एक्सिस देख लो, एक तरह से ग्लास के बाहर इसका एक्सिस कुछ ये है और ग्लास के अंदर इसका एक्सिस चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो लाइट है वो बेंड हो जा रही है। इसी की वजह से तो इसका एक्सिस चेंज हो रहा है, अंदर जाकर ये टूट कर इधर थोड़ी हो जा रही है, बल्कि है तो ये सीधी ना, पूरी एक ही लकड़ी है, लेकिन फिर भी इसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है रिफ्रैक्शन की मदद से। तो अब आपने देख लिया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन अब आपका सवाल ये हो सकता है कि भाई हम बात तो ऑप्टिकल फाइबर की कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट, इन सब के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? रुको, बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए हम बात कर लेते थोड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, नए इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो लोग बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं, जिसे बहुत बार उन्हें काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा बदनाम है। उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, और इसीलिए जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि अपना ब्रोकरेज बचाने पर। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट करना है तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और मोतीलाल ओसवाल पर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी है, जिसमें जीरो अकाउंट मेंटेनेंस पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है जो कि 30 साल से लगभग 10 लाख से ऊपर कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये आपको एक पर्सनल एडवाइजर देगा, जो आपको ये बताएगा कि आपको कब स्टॉक्स खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स इंडिया की पहली ऐप है जो कि अपने ऐप में कई सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ लेकर आई है। इसमें आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो मिल जाएंगे जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने किस में क्या इन्वेस्ट करा है, कितना इन्वेस्ट करा है, कब इन्वेस्ट करा है, ये सारी जानकारी आपको इनके ऐप में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस की कंपनी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि अभी आपको किसी भी दूसरे ऐप में देखने को नहीं मिलता। मोतीलाल ओसवाल आपको 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए तक का ब्रोकरेज कैशबैक भी दे रहा है। ये एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है और आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से ही इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें डीमैट अकाउंट बनाने के लिए आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक प्रूफ चाहिए बस। इसीलिए नीचे दी हुई लिंक पर जाकर अभी अपना डीमैट अकाउंट खोलो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो देखो, जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इंटरनेट आता है। तो मैं आपको इंटरनेट की टर्म्स में ही ऑप्टिकल फाइबर को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो, अगर आपको ये नहीं पता तो लाइट जो होती है ना हमारी, जो कहां गई, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट भी इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकती है। मतलब ये चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो पाता है। तो लाइट इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकती है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज ये है कि जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो बना होता है ग्लास का। मतलब कभी कभी वो ग्लास होता है, कभी कभी ग्लास और प्लास्टिक दोनों का मिक्सचर होता है, ताकि उसको और ज्यादा बेंडेबल बनाया जा सके, उसको जितना चाहे हम उतना बेंड कर सके। तो इसको आगे समझाने से पहले मैं आपको एक और फिजिकल फिनोमिनन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, ये हमारे पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म आपने देखा होगा ऐसा करके कुछ। तो इस पर जब हम एक लेजर छोड़ते हैं तो देखो होता क्या है, जैसे लाइट की प्रॉपर्टी है यही रिफ्रैक्ट होने की,
जब मीडियम चेंज हुआ वो रिफ्रैक्ट हो गया, तो यहाँ से चेंज हुआ, फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा प्रिज्म है इसमें मैं इम्प्योरिटीज बढ़ाता हूँ। अब मैंने थोड़ी सी इम्प्योरिटी बढ़ाई तो उससे क्या हुआ, ये रिफ्रैक्शन का जो एंगल है, जिस एंगल से ये लाइट बाहर निकल रही है, वो चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब बढ़ गया यहाँ से। इसके बाद मैं और इम्प्योरिटी बढ़ाऊंगा तो एंगल और ज़्यादा बढ़ गया, मैं और बढ़ाऊंगा तो ये एंगल और बढ़ गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइट पूरी की पूरी ये वाला जो साइड है ना इसके पैरेलल हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो लेजर आ रही है वो इस मतलब इसके एज के थ्रू बाहर निकलेगी। तो इसके बाद अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी बढ़ाता हूँ या फिर मैं लेजर की लाइट का जो इंसिडेंट एंगल है, मतलब जिस एंगल पर लाइट आ रही है, उसको चेंज करता हूँ, तो होगा क्या, लाइट इस सरफेस से तो अंदर चली जाएगी लेकिन उस सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमिनन को, मतलब एक लाइट अंदर गई किसी ग्लास के, वहां से रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो गई अंदर ही अंदर, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है। आप जो आसमान में रेनबो देखते हो या फिर जो रेत में आपको मिराज देखने को मिलता है ना, मतलब आपको लगता है वो पानी है बहुत दूर से, तो वो चीज भी इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल्स हैं। तो अब देखो, आपको ये पता चल गया कि ऑप्टिकल फाइबर ग्लास की बनी होती है और जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती है वो लाइट के थ्रू जाती है। जो हमारी नॉर्मल कॉपर की वायर आती है उसमें क्या होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जाती है। अब लाइट का इस्तेमाल करने का फायदा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा तेज होती है। तो इसीलिए जितने भी हाई स्पीड इंटरनेट होते हैं ना, वो सारे के सारे ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड होते हैं, ना कि कॉपर वाले पर। तो अब देखो कैसे इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन होती है कि इतना मोटा ऑप्टिकल फाइबर है तो इसके अंदर ग्लास मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो नहीं, आप अपना एक बाल तोड़ो, वो जो बाल है ना आपका, उसी के बराबर इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर होती है। इस तार, ये जो बड़ा पैडिंग करी गई है, ये सिर्फ उसको बचाने के लिए कि ये टूटे ना इधर उधर, मतलब कम से कम इसको अंदर नुकसान हो, इसको बचाने के लिए इसको इतना मोटा बनाया जाता है। तो अब इसमें क्या करा जाता है, इसके एक एंड पर लेजर एक ऐसे एंगल पर, मतलब पहला तो इसके मटेरियल को देख लिया जाता है कि किस मटेरियल पर ये बना है, उसके बाद एक ऐसा एंगल देखा जाता है जिस एंगल पर अगर हम इसके अंदर लाइट को भेजेंगे तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगी और इसी तरह वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। आप जो आपने मेले वगैरह अगर देखा होगा तो मेले में आपने ऐसा कुछ देखा होगा जिसमें मतलब नीचे एक लाइट लगी रहती है और बीच में कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल टॉप एंड पर अलग अलग तरह की लाइट जलती रहती है, तो वो भी इसी TIR का ही एग्जांपल है। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है कि नहीं भाई, हमें रियल कुछ करके दिखाओ, मतलब रियल में कैसे ऑप्टिकल फाइबर हम देखें कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है किसी चीज के अंदर से। तो अब देखो, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसी बॉटल चाहिए जिसके ऊपर आप सिल्वर फॉइल लपेट दो, और दूसरा आपको चाहिए एक ऐसी टॉर्च। अब आपको करना क्या है, सीधा अपना टॉर्च लेना है और इसके इस एंड पर, पानी पूरा भरा होना चाहिए, इसके इस एंड पर टॉर्च को जलाओ। अब क्या होगा, लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होगी और जब आप इसको धीरे धीरे ऐसे छोड़ोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर जो लाइट है वो एक जगह से मतलब ऊपर से नीचे तक जा रही है। मतलब अगर मान लो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना नहीं होता तो क्या होती, ये जितनी भी बोतल से लाइट जा रही है ये सारी की सारी पानी यहाँ से टकराती और यहाँ से बाहर निकल जाती। लेकिन बहुत सारी लाइट यहाँ से बाहर निकल तो रही है, लेकिन कुछ लाइट ऐसी भी है जो कि अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके बाद वो यहाँ से इस जो मोड है ना ये पानी का, जो लेमिनार फ्लो है, इस वाटर के फ्लो से अंदर अंदर रिफ्लेक्ट होकर इसकी हथेली पर पड़ रही है। तो ये है आपका देसी ऑप्टिकल फाइबर, मतलब जो प्रिंसिपल है उसको आप इस तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। अब मैंने आपको इस लाइट से समझाया है, मतलब जो मतलब काफी ज्यादा वो हो रही है, मतलब फैल रही है। अगर आपके पास लेजर लाइट है ना तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। देख रहे हो कैसे लाइट को आप दिख रही है आपको लाइट, मतलब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि लाइट जो है इन्फॉर्मेशन को ले जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी आपको समझ में आ गया, और ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है वो भी आपको समझ में आ गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि भाई एक बात बताओ, ऑप्टिकल फाइबर्स जो होती हैं वो तो कई कई किलोमीटर तक होती हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो लाइट की इंटेंसिटी तो जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वैसे वैसे कम होती जाएगी, तो ये लाइट इतनी दूर तक जाती कैसे है? तो देखो, ये अपने आप इतनी दूर तक नहीं जा सकती, इसीलिए इसके लिए लगाए जाते हैं एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी वायर है 100 किलोमीटर की, लेकिन एक जो लेजर लाइट है वो 20 किलोमीटर तक ही जा सकती है। तो इसीलिए जब 20 किलोमीटर बाद उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी तो उसके जस्ट पहले एक एम्पलीफायर लगा दिया जाएगा जो कि उस लाइट की इंटेंसिटी को कम होने से पहले ही दोबारा उतनी कर देगा जितनी वो पहले थी।
तो इस तरह से जैसे जैसे वो कम होने वाली होगी उसके जस्ट पहले एक एम्पलीफायर लगा दिया जाता है जो कि उस लाइट की इंटेंसिटी को दोबारा उतनी ही कर देता है। अब आपका सवाल होगा कि भाई ये एम्पलीफायर्स इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते होंगे। हाँ बिल्कुल काम करते हैं, तो पानी के नीचे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जाती है? तो देखो, इसके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाती है ना, उसी के अंदर एक कॉपर की पैडिंग करी जाती है और इसी कॉपर की पैडिंग में ही इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है और इस कॉपर पैडिंग की मदद से उन लोगों को एनर्जी मिलती है। अब लाइट इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाती है, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉमेंट कर देना। वैसे मैंने बता रखा है अपने टेक वाले चैनल पर, लेकिन फिर भी मैं और सिंप्लीफाई करके और इलेबोरेट करके इस चैनल पर बता दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स के फायदे के बारे में, मतलब क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा आ जाता है स्पीड का, मतलब हम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी की वजह से स्पीड ज़्यादा हो गई। नंबर टू, इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि ये एक रास्ता है, ठीक है, इतने रास्ते में जो कॉपर की हमारी नॉर्मल वायर आती है उसमें मतलब इन्फॉर्मेशन जा सकती है इतने रास्ते में, लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब रास्ता इतना बड़ा है, अब इतने बड़े रास्ते में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जा सकती है, मतलब जैसे कार मान लो तो इसके अंदर से बहुत सारी कार जा सकती हैं, बहुत सारे लेन बन सकते हैं, और इसके अंदर कम लेन है तो एक तो इसकी लेन कम हो गई, दूसरा इसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में इसकी लेन भी ज़्यादा हो गई और जितनी कार्स हैं उनकी स्पीड भी ज़्यादा हो गई, तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी कार्स जा सकती हैं। तो बस यहाँ पर आप लोग कार्स को इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर दो। अब अगर ऑप्टिकल फाइबर्स के कुछ नुकसान की बात करें तो नंबर वन, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा महंगी होती है। नंबर टू, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉपर वायर ये सब तो आसान से बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हमारा मटेरियल कैसा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, उसमें लाइट जो जाएगी वो कितने अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगी, कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएगी अंदर ही अंदर, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। और प्लस इसका साइज़ ह्यूमन हेयर जितना होता है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगला, ये नॉर्मल कॉपर वायर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसको हैंडल करना भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे हमारे कॉपर वायर्स क्या होते हैं, उसको जैसे भी मोड़ो, गांठ मार दो बीच में से, मस्त चलते हैं, उसमें इंटरनेट मस्त चलता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखो, जैसे ही ये इस वायर को बहुत ही ज़्यादा स्टीप मोड़ दे रहा है ना, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बेंड कर दे रहा है, एंगल बहुत ही ज़्यादा स्टीप हो जा रहा है, तो इंटरनेट चलना बंद हो जा रहा है इसके कंप्यूटर में, लेकिन जैसे ही वायर को दोबारा छोड़ रहा है तो दोबारा लाइट जो है यहाँ से पास होनी शुरू हो जा रही है और इंटरनेट दोबारा से काम करने लग रहा है। Bananas. तो इसीलिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको बहुत ज़्यादा स्टीप एंगल से मोड़ा नहीं जा सकता। और नंबर टू, इसको इतना ज़्यादा अगर रेगुलर आप मोड़ते रहोगे या मोड़ के छोड़ दोगे ना, तो इसमें ब्रेकेज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो कॉपर की वायर होती है उसमें क्या है, उसको तो आप खुद भी एक तरह से जोड़ सकते हो, हालांकि उसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप जोड़ सकते हो उसको, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को आप खुद नहीं जोड़ सकते। उसके लिए पर्टिकुलर एक मशीन आती है जो कि दो ऑप्टिकल फाइबर के एंड्स को, और वो एंड्स भी मतलब ग्लास को जोड़ने के लिए आपको पता है उसको मेल्ट करके जोड़ना पड़ता है, तो ये मेल्ट होकर ही आपस में जुड़ पाएंगे और उसके लिए एक मशीन आती है। इसीलिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनकी हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसका। तो मुझे उम्मीद है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको सारी जानकारी पता चल गई होगी। अगर आपको ऐसी ही साइंस रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है, असली साइंस के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।